आज हम बनाएंगे एक 28 फीट इंटू 29 फीट का 3 BHK हाउस प्लान। ठीक है, जिसका आउटर वॉल रहेगा 9 इंच, इनर वॉल रहेगा 6 इंच। ठीक है, तो अभी आपके मैं बताऊंगा कि कौन सा रूम का डायमेंशन कितना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हॉल जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम, और लिविंग रूम का जो चौड़ा आएगा, जो विड्थ विड्थ आएगा 8 फीट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 फीट। ठीक है, इसके बाद लेंथ लेंथ आएगा 15 फीट 6 इंच, 15 फीट 6 इंच आएगा लेंथ। यहाँ से यहाँ तक ये आएगा 15 फीट 6 इंच। इससे पहले हम एंट्री करेंगे, घर को एंट्री करेंगे बारंडा से। ये है बारंडा, जो सीट आउट है, सीट आउट, इसको सीट आउट करते हैं, सीट आउट। इसका जो चौड़ा रहेगा यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, ये रहेगा 5 फीट का। ठीक है, और लेंथ रहेगा वही सेम 8 फीट का। ठीक है, तो विड्थ रहेगा 5 फीट और लेंथ रहेगा 8 फीट। यहाँ पे जो गैप छोड़े हमें आप 8 फुट का, यह है एंट्री गेट, यह है मेन गेट, जहाँ पर हम लोग ग्रिल लगाएंगे। इधर रोड है, इस तरफ मेन रोड है। ठीक है, तो इधर एंट्री करके सीट आउट में जाएंगे, फिर बारंडा, बारंडा से हम लोग जाएंगे मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का जो चौड़ाई रहेगा, जो विड्थ रहेगा, वो रहेगा 9 फीट, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा 9 फीट का। ठीक है, और लंबा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये रहेगा 12 फीट का। ठीक है, इधर हम लोग मेंशन करते हैं 12 फीट का। ठीक है, इसमें एक लैट्रिन बाथरूम अटैच रहेगा, जिसका विड्थ है 4 फीट, 4 फीट का विड्थ है चौड़ाई, और लेंथ में रहेगा 6 फीट। ठीक है, ये टॉयलेट कम बात रहेगा। उसके बाद जाते हैं हम लोग बेडरूम टू। ये मास्टर बेडरूम, बेडरूम वन है,
ए बेडरूम टू मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम के बाद बेडरूम टू जिसका चौड़ा रहेगा वही सेम 9 फीट और लंबा में रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये यह रहेगा 11 फीट। ठीक है, इसके बाद जाते हैं बेडरूम थ्री, बेडरूम थ्री जिसका चौड़ा जो विड्थ रहेगा 8 फीट 6 इंच, इसी 6 इंच का कम है, 8 फीट 6 इंच। ठीक है, और लंबा जो लेंथ में रहेगा, लेंथ में रहेगा 11 फीट का। ठीक है, 11 फीट का लेंथ में रहेगा। तो तीनों बेडरूम का आपको पता चल गया। अभी जाएंगे हम लोग किचन, किचन किचन का जो लेंथ रहेगा यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा 8 फीट का, और विड्थ जो चौड़ाई रहेगा यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा 6 फीट का। किचन का पता चल गया, वो एक तरफ का ओपन किचन रहेगा, यहाँ पे कोई डोर नहीं लगेगा। ठीक है, आपका पसंद है ये वॉल आप दे सकते हैं, नहीं देने से भी ये किचन हम लोग ओपन छोड़ सकते हैं, तो हमको फ्री लगेगा किचन में मतलब काम करने के लिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे लिविंग रूम को, जो बेडरूम सबको लिए जो कमन एक लेटरिन बाथरूम है, इसका जो चौड़ाई है 4 फीट एंड लेंथ में लंबा जो है वो है 6 फीट, ये भी टॉयलेट का बात मिलेगा। हम इधर से जब एंट्री करेंगे तो हमको 4 फीट का एक डोर मिलेगा दरवाज़ा, और यहाँ पे भी हम लोग एक इमरजेंसी के लिए डोर छोड़े हैं, जब गेस्ट वगैरह इधर बैठे रहेंगे लिविंग रूम में तो किसी को जाना है बाहर तो इस साइड में भी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पार्किंग एरिया है। जो पार्किंग एरिया है इसका जो विड्थ है ये रहेगा 8 फीट 6 इंच, और लेंथ में जो लंबा ये लंबा रहेगा 12 फीट। ठीक है, वो है पार्किंग, पार्किंग एरिया। ठीक है, तो आपको सब रूम का डायमेंशन पता चला होगा। अभी जाएंगे सीढ़ी के बारे में। जब हम मेन गेट से एंट्री करेंगे ग्रिल ओपन करके सीट आउट करके, इसके राइट तरफ हमारा सीढ़ी लगेगा जो मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करके जाएगा। यहाँ से हम लोग अप जाएंगे, इस तरफ अप जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो जो मास्टर को जो कवर करेगा इसमें हम लोग सेल्फ बना लेंगे, जो क्लोजेस्ट कहते हैं रैक, तो हम लोग उधर सामान वामान रख सकेंगे। ठीक है, तो हम एक 28 फीट बाय 29 फीट जिसका चौड़ा है 28 फीट एंड लंबा है 29 फीट का एक प्लॉट में एरिया में सही प्लान किया तो एक 3 BHK विथ पार्किंग का एक अच्छा खासा मकान बना पाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना,
और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।